आसनसोल म्युनिसिपल इंतखाब की तारीख पर अब तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ मसले भी बढ़ते जा रहे हैं। पार्किंग का मियाद भी अब ख़त्म हो चुका है। इस मसले पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा है कि आज एक दिन हमारे पास है और इसके बाद 21 दिसंबर का दिन है, इसके बाद इस मुद्दे पर गौर किया जाएगा, इसके लिए मंत्री से बातचीत के जरिया ही हल निकाला जाएगा। चूँकि पार्किंग आम लोगों से जुड़ा मसला है तो इस पर आवाम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों को आज एक तो डेट है लास्ट, और 20 दिसंबर को एक तो डेट है, उसके बाद हम लोग सोचूंगा जो पार्किंग चलेगा ना, फ्री पार्किंग कर दिया जाएगा ना, आसनसोल को साफ कर दिया जाएगा। मंत्री से बात करूंगा, मंत्री अगर इसमें सहमत देगा, मंत्री अगर चाहेगा ये पार्किंग रहे तो रहेगा, अगर मंत्री चाहेगा ये पार्किंग उठा के साफ करके आसनसोल आदमी को लिए बढ़िया एक तो आसनसोल उपहार देगा तो हम लोग वही कर दूंगा। फ्री वाला पार्किंग में अगर सेफ्टी रहेगा गाड़ी का तब तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, तब तो और अच्छा है हम लोग के लिए। हम लोग का आना जाना रहता है, जैसे हफ्ता में कम से कम 5-6 रोज बाजार आना जाना रहता है। आप ऐसे करके अगर पार्किंग अगर फ्री हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। सुरक्षा के व्यवस्था को लेकर आप क्या? हाँ, सुरक्षा का वही तो बोल रहे हैं, फ्री में अगर सुरक्षा सही से मिलेगा तो और अच्छा है। सुरक्षा मिलना चाहिए, नहीं तो ये फ्री का पार्किंग, फ्री का पार्किंग नहीं चाहिए। मैंने सुरक्षा, आपका नाम? हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम है प्रशांत माझी, आसनसोल में रहता है। अगर पार्किंग फ्री हो जाता है, निगम बोल रहा है कि हम पार्किंग फ्री कर रहे हैं, तो किस तरह का क्या सुविधा होगा? असुविधा तो होगा, जो मर्जी जहाँ लगा देंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पार्किंग ठीक है, पार्किंग कैसा लगता है वो? ठीक है, नियम से तो है सर, सुरक्षा तो है। सुरक्षा है, और सुरक्षा के लिए पार्किंग होना जरूरी, एकदम फ्री नहीं चाहिए ना। क्या नाम है? संजय। कि अगर पार्किंग फ्री होता है तो फिर तो जिसको जहां इच्छा वहां लगा देगा गाड़ी, तो ये तो ठीक नहीं ना है। पार्किंग फ्री क्यों किया जाए? आप अगर गाड़ी में तेल भरा रहे तो फ्री भरा नहीं ना रहे हैं, उसके लिए तो अमाउंट दे रहे हैं ना, तो गाड़ी जहां रखे उसके लिए तो अमाउंट देना होगा ना। तो हमारे ऊपर ही खर्चा हो रहा है ना, निगम हमारे ऊपर ही ना खर्चा कर रही है कि उसके साफ सुथरा बना के रख रही है, सब कुछ रख रही है, तो हमारे ऊपर ही कर रही है ना, वो तो अपने लिए कुछ नहीं ले रही है, तो फिर क्यों पार्किंग फ्री चाहते आदमी? क्या कारण है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या अच्छा होगा, फ्री होगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, फ्री हो जाएगा तो फिर जहाँ तहाँ तो जंगल राज हो जाएगा ना, जिसका पॉइंट जो गाड़ी है उठा के लेकर चला जाएगा, चोर लोग का बढ़िया हो जाएगा, उसको देख सुन कुछ नहीं होगा फिर गाड़ी का। पार्किंग का जो फीस लग रहा वो ठीक? हाँ, एकदम जायज है। क्या नाम? मेरा ऋषि कुमार बर्नवाल। आसनसोल रेलवे शोभा की जानिब से मुसाफिरों को मिलने जा रहा है नया सौगात। आसनसोल झाझा रूट पर दौड़ेगी सभी सहूलियात से भरपूर ट्रेन, जिसमें हर कोच में काफ़ी तादाद में लोगों के बैठने और खड़े रहने की जगह है। अंदर ही डिस्प्ले बोर्ड का भी इंतजाम किया गया है ताकि मुसाफिरों को अगले स्टेशन का पता आसानी से चल सके। हिफाजत के लिए CCTV कैमरे का भी इंतजाम है। फिलहाल सिर्फ एक ही ऐसी ट्रेन आवाम की खिदमत के लिए तैयार है। इसके लुक को मेट्रो जैसा बताया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस ट्रेन में मुसाफिरों को नया तजुर्बा होगा। अच्छा, हाँ हम खोलवाए हैं, आएंगे तो बोल, फोरमैन को बोल के जरा सा हटो ना, आइएगा तो आइए, हाँ हम दिखा रहे हैं, आइए तो ज्यादा सब देख भी लेगा, और क्या कहते हैं सो अभी हमको भी मिल जाएगी, अभी रहेगा एक दो दिन और, बोल रहा है ये समझे, थ्री फेज खुला हुआ है। अच्छा, ओके 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 ओके, कल भी रहेगा, कल खोलवे नहीं करेगा। अब हम लोग अभी चला नहीं रहा, इसमें पहले इसको खत्म करना है, ये तो सब देखिए, ये इमरजेंसी ऑफ हो गया समझे, इमरजेंसी ऑफ, ये इमरजेंसी ऑफ जो है ये जानते हैं क्या है वो, BPMS इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, चलो इन लोगों को जानने, ये क्या कहते हैं, लाइव इमरजेंसी ऑफ होगा, ये प्रेस वाले, प्रेस वाले, प्रेस वाले, देख हो गया, ठीक है सर, पेंटो डाउन,
जी। और ये क्या बीसीबी ऑन बीसीबी ऑफ, ठीक है सर। ये हो गया फॉल्ट रिसेट, फॉल्ट रिसेट एमओएल हमारे यहाँ है, ओवरलोड रिसेट, यही ये फॉल्ट रिसेट है, ठीक है। अच्छा इसके बाद न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन जब जाएगा ब्रेक लग जाएगा, नहीं नहीं ये 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 ऐसे पकड़ते नहीं नहीं भाई मेरे भाई, इसको 30 डिग्री तो अगर 30 डिग्री पे इसको रखना है, इसको 15 डिग्री या 30 दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा, अच्छा ठीक है। 15 डिग्री पर इसको घुमा कर रखना है, ठीक है। अगर 15 डिग्री घुमाएंगे ये हाथ से छूट जाएगा तो क्या कहते हैं सो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाएगी। बाथरूमटा कर अपना सुविधा के लिए आदमी खुद ही ठीक से ले रहे हैं, जितना भी आप बढ़िया चीज दे रहा है। जाते हैं उधर से घूर के आते ना, तो हमको आइडिया था मेमो से भी इधर तो कदा मारते Thank you.
एक ईएमयू यूनिट जो है मेल लाइन ईएमयू यूनिट, वो हमारे पास एक नई रेक आई है। इस रेक की खासियत ये है कि इसमें प्रति कोच बैठने की क्षमता और साथ ही यात्रियों के खड़े होने की जगह ज़्यादा है। साथ ही इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे कि शौचालय, डिस्प्ले बोर्ड ताकि जो अंदर बैठे यात्री हैं उनको अंदर से ही आने वाले स्टेशन वगैरह का पता चल जाए, और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह दिए गए हैं। तो और उम्मीद है कि इसमें कुछ जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है वो भी थोड़ा नया है, और इसकी हम लोग अभी आसनसोल झाझा सेक्शन में इसकी शुरुआत जल्दी ही करेंगे। एक बार कोचेज की कमीशनिंग हो जाती है उसके बाद सेवा शुरू की जाए। मेट्रो जैसा इसका लुक? जी, लुक मेट्रो जैसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेट्रो में हमेशा दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, खुलते हैं, और बिना दरवाजे बंद हुए वो ट्रेन नहीं चल सकती है। तो ये हमारी पुरानी मेमू की तरह ही है। सुविधाएं बहुत बेहतर हैं, सीट जो यात्रियों के बैठने की सीट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। टॉयलेट भी बायो टॉयलेट बनाया गया है और अच्छी सुविधाएँ दी गई हैं। एक ही ट्रेन है। अभी कपूरथला ने पहली रेक बनाई है, इसका ट्रायल चलेगा और इस बीच में और रेक बन रही है। धीरे धीरे इस तरह के उन्नत किए गए रेक ही आएंगे, जैसे जैसे प्रोडक्शन यूनिट से बन के निकलेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच, हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल, बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहां कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बंगला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है।
तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने आसनसोल इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। अमरनाथ चटर्जी ने इस सिलसिले में कहा कि इंडोर स्टेडियम में मौजूद स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और दीगर चीज़ों के मेंटेनेंस का जायजा लेने के लिए पूरी टीम आज यहाँ पहुँची है। इस मौके पर कॉर्पोरेशन के सुपर धीरेन्द्र नाथ व दीगर लोग मौजूद थे। হ্যাঁ বলিয়ে হ্যাঁ নাম বলিয়ে না করিয়ে कौन टाइम दीजिएगा बोलिए, सुबह में दीजिएगा के लिए दादा बोलना। एक काम करिए, मंगलवार दिन 1 बजे। ठीक 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 ओके। এখানে কোন সিকিউরিটি আছে? কোন 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 মেইনটেইন করা, যারা বাচ্চা আছে তাদেরকে, কজন বাচ্চা তো এখন টোটাল আছে দরজা খুলবে তখন থেকে আপনি রাত্রেবেলা ডিউটি করবেন। আর ওই বাঁশ ফাঁস ওইগুলো কি কন্ট্রাক্টরদের মাছ বুঝলি? যে স্টেডিয়াম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, আমাদের ব্যাডমিন্টন কোর্ট, আমাদের ইনডোর স্টেডিয়াম, আমাদের সুইমিং পুল, এগুলো কীরকমভাবে মেনটেন্স হচ্ছে দেখতে এসেছিলাম। তো আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভালো হয়, এবং কত লোক ঢোকানো আছে, কত কী আছে সেগুলো আমরা দেখলাম, সঠিকভাবে যাতে লোকগুলো কাজকর্ম করে তার ব্যবস্থা আমরা করছি। तो हिंदी में बोल दीजिएगा। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।